हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेबरी। आज मैं पापड़ कॉर्न सॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आप इसे एज ए पार्टी स्टार्टर या फिर स्नैक्स के टाइम पर सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं तवा गरम कर ली हूँ। पहले हम पापड़ को सेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक पापड़ को हम दो में डिवाइड करेंगे इसी तरह से। अब एक कॉटन के कपड़े की सहायता से हम इसी तरह से सेक लेंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। हम दोनों तरफ से इसे पलटाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जैसे पापड़ जले ना। इसे सेके हुए अभी 2 से 3 मिनट हो गया है और पापड़ अच्छी तरह से सिक गया है। अब एक टिश्यू पेपर लेंगे और पापड़ को उसके ऊपर रख के हम इसी तरह से इसे कॉर्न का शेप दे देंगे। पापड़ बहुत गर्म है, इसलिए मैं एक टिश्यू के हेल्प के थ्रू इसे कर रही हूँ। और इसी तरह से हम 30 सेकेंड के लिए इसे पकड़ के रखेंगे ताकि पापड़ एक शेप ले ले। देखिए, 30 सेकेंड पकड़ने के बाद ये अच्छी तरह से एक शेप ले लिया है, कॉर्न का शेप। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी पापड़ को भी सेक लेंगे। मैं सारे ही पापड़ को अच्छी तरह से सेक ली हूँ। चलिए अभी आगे का तैयारी कर लेते हैं। पापड़ कॉर्न के अंदर डालने के लिए एक चटपटा सा चाट बना लेते हैं। उसके लिए मैं एक बाउल में लूँगी 1/4 कप खीरा, जिसे मैं बारीकी से कट कर ली हूँ। 1/4 कप प्याज, इसे भी मैं बारीकी से कट कर ली हूँ। 2 चम्मच टोमेटो, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, इसे मैं उबाल के डाल रही हूँ। हरा धनिया 1 चम्मच, पुदीने के पत्ते 1 चम्मच, हरी मिर्च में 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप आपके स्वाद के अनुसार डालें। काला नमक 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, सेव 3 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चाट हमारा तैयार है, पापड़ का कॉर्न भी तैयार है। चलिए अब सर्व करने के लिए तैयारी करते हैं। मैं थोड़ा सा फैंसी करके सर्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट का ग्लास ली हूँ। उसके अंदर बनाए हुए पापड़ के कॉर्न को डाल देते हैं और बनाए हुए खीरे के मिक्सचर को उसके अंदर डाल देते हैं। ऊपर थोड़ा सा मैं सेव डाल रही हूँ और हमारा पापड़ कॉर्न सॉर्ट बिल्कुल तैयार है। दिख रहा है ना, बहुत ही प्रेजेंटिव और इंटरेस्टिंग। आप भी इसी तरह से बनाइए और अपने गेस्ट को इम्प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।